चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? मैं बस खोया हुआ हूँ और महसूस कर रहा हूँ कि मैं अपने जीवन के साथ कर क्या रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर किसी ने अपनी मंजिल का पता लगा लिया है और एक मैं हूँ जो यहाँ पर अभी तक अटका पड़ा हूँ। भाई मैं समझता हूँ तू कैसा सोच रहा है। जब इतनी मेहनत के बाद इंसान को सक्सेस नहीं मिलती तो वो गहरी सोच में डूब ही जाता है। भाई तू नहीं जानता कि कैसा लगता है जब आप प्रतिभाशाली होते हुए भी नाकामयाब रह जाते हो और आपको दुनिया बुरी नज़र से देखना शुरू कर देती है और आपका परिवार बहुत समझने लगता है। चल दिल छोटा मत कर, आ मोमोज खाने चलते हैं। मुझे नहीं खाना यार, तू जा, मैं कुछ देर और बैठूंगा यहाँ पे। अबे ओ देवदास, चल वरना जबरदस्ती उठा के ले जाऊंगा। यार प्लीज जिद मत कर, तू जा। अबे भाई मैं तुझे प्यार से समझा रहा हूँ और तू मान ही नहीं रहा। भाई तू अकेला नहीं है जो जिंदगी से लड़ रहा है, दुनिया में हर आदमी किसी ना किसी रूप में जिंदगी से लड़ रहा है। कोई भी सक्सेसफुल नहीं है, और जिसको लगता है कि वो सक्सेसफुल है तो भाई उसको मेरी ओर से बधाई। चल अब। यार राजीव, मैंने आज तक किसी भी रूप में किसी का बुरा करना नहीं सोचा, तो भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? देख भाई, जापान का समय अमेरिका के समय से 13 घंटे आगे चलता है। इसका मतलब ये नहीं कि अमेरिका की किस्मत खराब है और वो जापान जैसा तेज नहीं। इसका मतलब ये है कि दोनों को अपने समय पर सफलता मिलने वाली है। और तू औरों को देख के ये मत सोच कि तेरा कुछ क्यों नहीं हो रहा। भाई तुझे भी अपने समय पर ही सफलता मिलने वाली है और जरूर मिलेगी। और भाई ये वक्त कब आएगा? देख भाई, समय को आना होगा तो वो किसी भी रूप में आ जाएगा, और उस दिन अपनी मेहनत और जिंदगी का तू बहुत बड़ा सौदा करेगा। लेकिन जरूरी ये है कि तब तक और उसके बाद भी जैसा तू नेक दिल आज है, तुझे वैसा ही रहना है, समझा? नेकी कर और दरिया में डाल, यही ना? यस माय डियर। चल अब, अगर पनीर मोमोज खत्म हो गए ना तो मैं तेरा वक्त वाकई में खराब कर दूंगा। सर चाय। टेबल पे रख दो। हाँ भूपेंद्र जी बोलिए। भूपेंद्र जी, मेरी बताई हुई टिप से हमेशा आपको अच्छे प्रॉफिट्स हुए हैं, और आज आप मुझसे ये कह रहे हो? देखिए मैं समझता हूँ कि अब की बार बताई हुई टिप काम नहीं आई, पर हर बार तो आई है ना। आप मेरी बात सुनिए मेरी। अबे यार, किसी के लिए कितना भी अच्छा कर लो, एक दिन सब अपनी औकात दिखाई देते हैं। सर चाय। बोला तो है, रख दो मेरी चाय। सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? पूछो। सर मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ, आप अपने लैपटॉप में कुछ अजीब से चार्ट्स देखकर कभी दुखी हो रहे हो तो कभी सुखी हो रहे हो, आखिर ये चार्ट्स है क्या? अर्जुन ये चार्ट्स नहीं, कैंडल्स है, और ये बाजार है किस्मत का, ज्ञान का। सर थोड़ा विस्तार में समझाइए। अर्जुन देखो, जिस तरह तुम्हारे काम करने से तुम्हारे घर वालों को पैसा मिलता है, उसी तरह इस बाजार में दूसरी कंपनियों के स्टॉक्स खरीद कर हम उन्हीं की हुई मेहनत से प्रॉफिट बना सकते हैं। इसका मतलब मेहनत वो करें और फल हमको मिले? सही ज्ञान और सही स्टॉक्स हो तो हाँ, लेकिन गलत और अधूरा ज्ञान हो तो लगाई हुई रकम डूब भी सकती है। अबे भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? अबे शेयर मार्केट में पैसा वो लगाते हैं जिसके पास एक्स्ट्रा पे पैसा पड़ा हो, साला यहाँ महीने का घर चलाना मुश्किल हो जाता है। अब इस चीज के लिए पैसे कहाँ से जुटाएंगे हम? भाई तूने तो कहा था हर इंसान वक्त आने पर ही कामयाब होता है, क्या पता ये वक्त मेरा हो। अबे भाई
तुझे पता भी है शेयर मार्केट में कितना रिस्क है? पैसे बनाने से पहले पैसे डूब भी जाते हैं, फिर कैसे संभालेंगे हम? राजू, डूब तो हर गरीब रहा है हर रोज अपनी मुश्किल से, लेकिन वो डूबना भी कैसे डूबना जिसमें ना साहिल मिले, ना मौत, ना बच पा रहे हैं और ना ही कोई किनारा मिल पा रहा है। देख अर्जुन, मैं तेरी हिम्मत को जरूर सलामी दूंगा, पर एक मिडिल क्लास आदमी को रोज कुआं खोदकर पानी भरना पड़ता है, और तेरा जुनून तो समुंदर का है, और उस समुंदर में गोता लगाने के लिए भी भाई धन चाहिए। वो धन कहां से लाएगा तू? अरे अर्जुन, हाँ बैठो। सर वो कहो। सर वो मैं ये कहना चाहता था कि आपकी बातें सुनकर मेरे को भी लगा कि स्टॉक मार्केट में मेरे को भी ट्राई करना चाहिए। क्या कहा तुमने? सर मुझे भी स्टॉक खरीदने हैं, मैं भी इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तुम जानते भी स्टॉक मार्केट कितना रिस्की है? हाँ सर, मैं समझ सकता हूँ, जिंदगी के हर मोड़ पर रिस्क है। अगर आज हम उसी रिस्क से डर गए तो आने वाले खूबसूरत कल को हम खो देंगे। फिल्म विल्म देख के आए हो, डायलॉग मार रहे हो? डायलॉग नहीं है सर, बस एक एक्सपेरिमेंट है। मेरा काम है एक्सपेरिमेंट करना, ना कि रिजल्ट को देखकर एक्सपेरिमेंट को छोड़ देना। मैं आपसे मदद मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ स्टॉक मार्केट की आपको सबसे ज्यादा नॉलेज है। ठीक है, बट लंच इज नॉट फॉर फ्री। फ्री में तो सर क्या ही मिलता है, जहर भी उनको नसीब होता है जिसके पास धन होता है। ऑल राइट, वेलकम टू द एडवांस वर्ल्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या बात है, ये कपड़े तो तुझ पे जच रहे हैं। थैंक यू। कैसा है मेरे भाई तू? 2 साल बाद याद आया। कम से कम याद तो आया, तभी तो मिलने आया। भाई बहुत बिजी हो गया ना तू अपनी लाइफ में, अपनों के लिए टाइम नहीं है ना। देख इमोशनल ड्रामा मत कर, तुझे ही पता है मेरे हर एक मिनट की कितनी कीमत है। अभी भी सिर्फ तेरे लिए आया हूँ, अपने सारे काम पेंडिंग छोड़कर, सिर्फ तेरे लिए। अच्छा ये सब छोड़, ये बता मम्मी कैसी है? मम्मी ठीक ही होंगी। ठीक ही होंगी मतलब? भाई मम्मी मेरे साथ नहीं रहती, वो वृद्धाश्रम में रहती है। वृद्धाश्रम? तेरे साथ रहती नहीं है, तूने रखना नहीं चाहा? पिछले 2 सालों में बहुत कुछ बदल गया राजू, मेरे से खुद के अपने मेरे से दूर जा चुके हैं, पता नहीं क्यों। फिर मुझे याद आया मैं तो बाज हूँ, ऊंची उड़ान भरने वाला, छोटे पेड़ से दिल क्यों लगाना।
खैर मेरी बात को तो छोड़, तू बता तेरे लाइफ में क्या चल रहा है? तूने भी तो काम डाला था, उसका क्या हुआ? हाँ भाई, मैंने भी मोमोज की फैक्ट्री लगाई है। साले तेरा भी ठीक है, जो तू पहले खाता था अब तो दूसरों को खिलाता है, कितना कमा लेता है मोमोज के धंधे से। हाँ घर का खर्चा निकल ही जाता है। और भाभी के शौक पूरे हो जाते नहीं हो जाते? हद है अर्जुन, भाभी है वो तेरी, कायदे में रह के बात कर, जो मुँह में आ रहा बकता ही चला जा रहा है। क्या कहा तूने, कायदा? राजीव जितने तू एक महीने में कमाता है ना, उससे ज्यादा मैं एक दिन में खर्च देता हूँ, और तू मेरे से कायदे की बात कर रहा है? और सुन, अभी जो तेरे लिए काम छोड़ के आया हूँ ना, मेरे दोस्त अगर उसका इतना भी हिसाब लगाया जाए ना, फिर तू ऊपर से लेकर नीचे तक नीलाम हो जाएगा। अर्जुन मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, याद है मैंने कहा था कि तेरा समय अपने आप आ जाएगा, बस तू नेकी कर। मेरे भाई तू इस वाक्य का दूसरा सिरा नहीं समझ पाया कि नेकी कर अहंकार नहीं। तुम सब एक जैसे हो, जलते हो तुम मेरी कामयाबी से, और फिर कहते हो अर्जुन अपनों को भूल गया है। ठीक है, तेरा वक्त, तेरी किस्मत, तेरी मेहनत और तेरी कामयाबी, तुझे मुबारक हो मेरे भाई। यादव जी, स्टॉक मार्केट बिल्कुल चाय की तरह होती है, जितनी देर पानी पत्ती उबलती है ना, उतनी जबरदस्त चाय बनती है। बस इंसान को सब्र से काम लेना आना चाहिए, नहीं तो अमीर बनने में कोई मुश्किल बात नहीं है। यादव जी मैं आपको कॉल करता हूँ, कॉल आ रहा है किसी का। आज की ब्रेकिंग न्यूज, मल्होत्रा फाइनेंस के स्टॉक्स ने जिस तरह आसमान और कामयाबी को छूकर सबको हैरान कर रखा था, आज वही मल्होत्रा फाइनेंस के स्टॉक्स जमीन पर आ गिरे हैं। पूरा बाजार इस समय एक बेहद दर्द से गुजर रहा है, काफी सारे इन्वेस्टर्स की लगाई बड़ी रकमें इस आपदा की शिकार हो गई हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और कंपनी के डेटा की माने तो नुकसान काफी भारी मात्रा में हुआ है। डेटा के अनुसार करीब 15 लाख लोगों की लगाई रकमें मिट्टी में मिल गई हैं। मुझे तेरी किसी भी बात का बुरा नहीं लगा, याद है मैंने कहा था कि तेरा समय अपने आप आ जाएगा, बस तू नेकी कर, अहंकार नहीं। हेलो, उम्मीद करता हूँ कि ये पैसे तेरे कर्ज और एटीट्यूड दोनों को खत्म करने में मदद करेंगे। राजीव भाई, और हाँ मेरे भाई, मोमोज का धंधा छोटा नहीं होता।